समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कैराना सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये वही सीट है जिस पर सपा और आरएलडी के बीच पेच फंसा हुआ था। हालांकि वो पेच तो नहीं सुलझा, लेकिन इकरा हसन को अखिलेश यादव ने इस सीट से चुनावी मैदान में जरूर उतार दिया। यहां सवाल ये है कि आखिर कौन है इकरा हसन जिन्हें इतनी महत्वपूर्ण सीट पर अखिलेश ने मौका दिया। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इकरा हसन ने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने लंदन की एक यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करते हुए LLM की डिग्री हासिल की है। इकरा हसन को राजनीति विरासत में मिली है। 9 साल से कैराना की राजनीति में सक्रिय इकरा हसन पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की बेटी हैं। तबस्सुम हसन एक बार BSP जबकि एक बार SP RLD गठबंधन से कैराना लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। इकरा हसन के दादा अख्तर हसन ने 1984 में कैराना लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। इसी तरह इकरा के पिता लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। इसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। फिलहाल कैराना से सपा विधायक नादिम हसन इकरा के बड़े भाई हैं, यानी कि इकरा का राजनीति से काफी गहरा नाता रहा है। हालांकि उन्होंने अपना राजनीतिक सफर 9 साल पहले शुरू किया था। इकरा हसन एक बार जिला पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। हालांकि उन्हें MLC वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान ने हरा दिया था। इकरा हसन को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे एक दिलचस्प किस्सा 2022 के विधानसभा चुनाव का भी है, जब उनके भाई नाहिद हसन जेल में थे। उस दौरान इकरा हसन ने ही अपने भाई के चुनावी प्रचार का जिम्मा संभाला था और उन्हें जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। कैराना में तभी से इकरा को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की मांग तेज हो गई थी। कैराना लोकसभा सीट की बात की जाए तो कैराना में 18 लाख के करीब मतदाता हैं। इसमें से करीब 5.5 लाख मतदाता मुस्लिम समुदाय से आते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार भी यहां भाजपा, सपा और बसपा के बीच सीधा मुकाबला है। पिछले लोकसभा चुनाव में SP RLD और BSP गठबंधन के बावजूद ये सीट BJP के प्रदीप चौधरी ने जीती थी। तब BJP के प्रदीप चौधरी को 5,66,961 वोट मिले थे। वहीं SP कैंडिडेट तबस्सुम हसन को 4,74,801 वोट ही मिल पाए थे। बहरहाल इस बार सियासी समीकरण काफी बदले हुए हैं। सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन की थोड़ी गुंजाइश बची हुई है। हालांकि उम्मीद यही है कि सपा अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेगी। इस बीच इकरा हसन को सपा ने मैदान में उतार दिया है। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार बाजी कौन जीतता है। इकरा हसन का कहना है कि ये उनके परिवार का पहला चुनाव नहीं है, वो मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, चुनाव जीतना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।